हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि टॉर्क क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गाड़ी या व्हीकल लेने जाते हैं तो वो हमें पूरा मेन्यू दिखा देता है, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही गाड़ी खरीदता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है नॉर्मल सी, ये सबको पता होनी चाहिए कि टॉर्क होता क्या है, हॉर्स पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क हम दो तरीके से समझ सकते हैं, अगर साधारण शब्दों में समझें, सिंपल वर्ड्स है ना, तो ये क्या होता है, ट्विस्टिंग फोर्स होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए, या रोटेट करने के लिए फोर्स चाहिए। अगर मुझे इसे रोटेट करना है, जो रोटेट करने वाला फोर्स है वो क्या होता है, हमारा टॉर्क होता है। ये तो हमारा टॉर्क के बारे में होगा। और अगर हम इसे टेक्निकल टर्म में समझें तो इसमें जो भी फोर्स हम किसी डिस्टेंस से अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द डिस्टेंस, वो क्या हमारा होगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम टॉर्क को टी से रिप्रेजेंट करें तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो जितनी मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, फोर्स, अगर मैं फोर्स अपना कांस्टेंट रखता हूं लेकिन सिर्फ डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, जिस डिस्टेंस पे से मैं फोर्स लगा रहा, तो मेरा क्या होगा, टॉर्क बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रही है फोर्स के साथ। एक न्यूटन फोर्स ही मैं लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस से लगा रहा तो टॉर्क अलग अलग मिलेगा। सपोज मुझे कोई भी चीज़ टाइट करनी है, हमारी रिंच होती है, ठीक है, तो मैं टाइट कर रहा हूँ जैसे, तो जितनी लंबी रिंच होगी उतना ज़्यादा टॉर्क वो उस बोल्ट पे, उस नट पे डाले। जैसे मेरे पास अभी ये है, तो इसमें ये डिस्टेंस क्यों दी हुई होती है, ये टॉर्क बढ़ाने के लिए ही दी हुई होती है। अगर मैं इसे कोई भी चीज़ टाइट करता हूँ, ठीक है, और इसकी इस पर मैं एक न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो जितना टॉर्क मैं प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो फोर्स मैं अब भी उतना ही लगाऊंगा, अब भी मैं एक न्यूटन का ही लगा, लेकिन क्या होगा, वो बोल्ट जो है वो ईजिली टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टॉर्क बढ़ रहा है डिस्टेंस के साथ, फोर्स चाहे उतना ही है हमारा, तो हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं हमारी डिस्टेंस बढ़ा के। ये तो हमारा होगा टॉर्क के बारे में। और जनरली हमारी जो गाड़ी जो प्रोड्यूस करती है, जो आउटपुट देती है, वो हमारा कोई हॉर्स पावर नहीं होता, वो हमारा टॉर्क ही होता है। टॉर्क से ही हमारी हॉर्स पावर बनती है। ठीक है, वो हॉर्स पावर के बारे में बात करते हैं। पावर का मीनिंग होता है सामर्थ्य, और सामर्थ्य क्या होता है, हमारा कार्य करने की दर, यानी वर्क डन की जो हमारी रेट है, रेट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि पावर क्या होगी, कि कितनी तेजी, कितनी क्विकली हम कोई भी काम कर रहे हैं। यानी कि अगर गाड़ी की आरपीएम, वो गाड़ी की हम पावर देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, कि वो कितनी फास्ट है, वो कितनी क्विक है। उसका मतलब ताकत से नहीं है, उसका मतलब है कि वो कितनी क्विक है, कितनी तेज़ी से वो अपना काम कर रही है। यानी कि जब हमारा टॉर्क क्या है, टॉर्क का काम है रोटेट करना, या रोटेट करवाना व्हील्स को, लेकिन कितनी तेज़ी से वो रोटेट करेगा, ये किससे डिटरमाइन होता है, ये होता है उसके, हमारी पावर से। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड जब आरपीएम से हो जाएगा। जो टॉर्क, इंजन तो टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है, इंजन ने टॉर्क ली, उसके बाद वो आरपीएम से मल्टीप्लाइड होने के बाद डिवाइड होता है 5252 से। ठीक है, तो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम हमारा क्या मिलता है, हमारा पावर मिलता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि पावर क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, कि हमारी जो हॉर्स पावर होती है, वो आपने सुना होगा इंडिकेटेड हॉर्स पावर, हमारी ब्रेकिंग हॉर्स पावर, और हमारी नॉर्मल एचपी जिसे हम बोल रहे हैं, ये मतलब अलग अलग नाम क्यों है, जो पावर तो पावर है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। इंजन जो सिलेंडर के अंदर पावर जनरेट कर रहा, जो जहाँ पे सिलेंडर पिस्टन है हमारा, वहाँ पे जो पावर जनरेट कर रहा, उस पे लिखा होता है इंडिकेटेड पावर। ठीक है, फिर लेकिन अंदर पिस्टन में कुछ लॉसेज होंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारी क्रैंकशाफ्ट पे आ रही है पावर, ठीक है, वो होगी हमारी ब्रेकिंग हॉर्स पावर, और जो हमारी व्हील्स तक पहुंच रही है वो होगी हमारी हॉर्स पावर। ये सिंपल सा अंतर है। और जो हमारी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।